अरे आंटी जी, आंटी जी, वो बिरजू कहाँ है? तुम पारुल हो ना? फिर आपने मुझे पहचाना कैसे? वो क्या है ना, मेरा बेटा तुम्हारी जिगर चलाता रहता था, इसलिए। अच्छा, तो वो कहाँ गया? क्यों, क्या काम है उससे? वो उसे कुछ काम था तो सोचा मैं उसके घर जाती हूँ। काम? हाँ। क्या काम? जान सकती हूँ? वो मुझे उसी से काम था। मैं उसकी माँ हूँ, चाहो तो मुझे बता सकती हो। नहीं, वो आंटी जी बस मैं मिलना चाहती थी। कहाँ चला गया? वो यहाँ नहीं है, तुम जा सकती हो। ठीक है। पता नहीं कहाँ होगा मेरा बेटा, क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, कहाँ रह रहा होगा, कुछ पता नहीं है उसका। अब तो इतनी याद आ रही है, उसके बाद रहा भी नहीं जा रहा है। हे भगवान, उसकी रक्षा करना, जहाँ भी हो खुश हो। पारो, आइए खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। क्या हुआ? नहीं, मुझे भूख नहीं है अभी। भूख नहीं है? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ, ना आपकी? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन लेकिन खाने की भूख नहीं है अभी। भूख नहीं है? लेकिन हुआ क्या, क्यों नहीं है भूख? देखो, बिरजू के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माना कि तुम ही मुझे गलत समझ रही हो, माना कि मैं उसके पीछे पड़ा रहता था, डांटता था, फटकारता था, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि वो कुछ बने, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमें ऐसे छोड़ के घर से चले जाएगा। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। आपकी आंखों में बिरजू के लिए प्यार दिखाई दे रहा है। बिरजू के लिए प्यार कब नहीं था पारो, बिरजू के लिए प्यार हमेशा से था, लेकिन मैं चाहता था कि अब हमारा और तुम्हारा क्या है, लेकिन आज है कल नहीं, कौन देखता उसको, लेकिन कौन करता उसकी देखभाल? कभी नहीं देखी आपके मन में, आज लगता है अंदर का प्यार निकल के आ रहा है आपका। आप भी इतना प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था। जाओ, तुम खाना खा लो। खाना हम दोनों खाएंगे, और हाँ, मुझे पूरा विश्वास है हमारा बिरजू जहाँ भी होगा खुश होगा। वो अपने सपने पूरे करना चाहता था, उसके सपने पूरे होंगे, भगवान उसके सारे सपने पूरे करेगा। मुझे यकीन है जो वो चाहता है वो होगा, जरूर होगा। ये तो काफी बड़ा शहर है। शहर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन मेरे हौसलों को छोटा नहीं कर सकता। माँ से जो वादा किया है और पारुल से जो वादा किया है, उसे जरूर पूरा करूँगा, जरूर पूरा करूँगा। अरे अंकल, नमस्ते। नमस्ते। आप वो बिरजू के पापा है ना? तुम शायद प्रधान विशंबरनाथ की बेटी हो? हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन आप क्या लेने आई हो? वो मैं बिरजू का पूछ रही थी, बिरजू आगे। बिरजू? हाँ। बिरजू तो यहाँ से जा चुका है। तो मैं वही पूछ रही हूँ, कब आएगा? देखो, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं अंकल, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? देखो, उसने नादानी में अगर कोई गलती की है तो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। नहीं अंकल, वो उसमें बिरजू को पूछ रही थी कब तक आएगा। वैसे वो अब ये तो मुझे भी नहीं पता कब आएगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो अंकल बस थोड़ी सी उसकी फिक्र होने लगी है, बस थोड़ा सा, पता नहीं, काफी बहुत दिन से देख नहीं रहा है मुझे। देखो, अगर उससे कोई दोबारा गलती हुई हो
तो उसे माफ कर दो। नहीं नहीं अंकल, उससे कोई गलती नहीं है। वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका है। अच्छा जा बेटा। ठीक है अपने घर जाओ। ये अचानक बिरजू के लिए इतना, चलो कोई बात नहीं। अरे आंटी, आंटी कौन है? अरे आपको पता है आपका बेटा बिरजू जो है उस क्यों आई हो? अरे मैं ये बताने आई थी, बिरजू बहुत बड़ा आदमी बन गया, मतलब उसके वीडियोस आने लगे हैं, मूवी आने लगी है उसकी, पता है? क्या मेरे बेटे की? कहाँ है बिरजू? कहाँ है मेरा बेटा? बिरजू भाई है मुंबई में, लेकिन उसकी वीडियो आई है, पता है? उसकी वीडियो आ चुकी है। हाँ देखो कहाँ है? बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अब वो ना बहुत बड़ा के सपने पूरे हो गए, जो उसने सोचा वो हो गया। हाँ अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसकी ना कई सारी फिल्म आ गई उसके। अब क्या? हाँ उसकी बहुत सारी फिल्म आ चुकी है उसके, पता है? लेकिन लेकिन वो घर क्यों नहीं आया? अपनी माँ से, अपने माँ से मिलने नहीं आया वो? आएगा जरूर, वो ना आएगा ना, मुझसे शादी जरूर करेगा वो। शादी? हाँ तुमसे? हाँ मुझसे बोल के गया था शादी की, कि मैं शादी तुमसे ही करूँगा। मैं ये खबर ना उसके पिताजी को बता कर आती हूँ, मैं उनके पास जाती हूँ। सुनदेव जी, अरे अरे क्या हुआ? खुशी की खबर है, हमारा बिरजू हीरो बन गया है। हीरो बन गया? हाँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? और कहाँ है बिरजू? वो प्रधान जी की बेटी है ना, वो आई थी, उसके पिक्चर दिखा रही थी वो। अरे वो तो हीरो की तरह डायलॉग मार रहा था वो तो। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाई थी। तुम सच कह रही हो? हाँ हमारा बिरजू। हाँ बिरजू के पिताजी, ये हकीकत है, मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी पिक्चर देखी थी। आखिर लेकिन आखिर उसने अपने सपने को सच कर लिया। हाँ लेकिन लेकिन बिरजू आया क्यों नहीं? पता नहीं वो आया क्यों नहीं। शायद मेरी गलती है। क्यों? मैं उसको रोज डांटता था और मारता था ना, तो वो मुझसे नाराज है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे भला वो अपने पिताजी से क्यों नाराज होगा? अरे उसने मुझसे कहा था कि मैं एक बड़ा आदमी बनकर जरूर आऊंगा। लेकिन बारों वो भले ही ना आया हो, लेकिन ये बात तो खुशी की है कि वो नकारा, जिसे मैं नकारा और बदकार कहता था, आज 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 हीरो बन गया है। हाँ मुझे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने उसकी पिक्चर दिखाई तो पूरा विश्वास हो गया। तुमने अपनी आंखों से देखी? हाँ अपनी आंखों से। वो हमारा बिरजू था? हमारा बिरजू, आप यकीन करो। हे भगवान। और पता है प्रधान जी की बेटी उसे शादी करने के लिए तैयार है, जब वो बड़ा आदमी बन गया तो खुद उसकी पिक्चर दिखाने मुझे ले मेरे पास आई थी। वो कह रही थी मुझसे शादी करेगा बिरजू, मुझसे प्यार करता है वो। लेकिन लेकिन क्या बिरजू अब यहाँ आएगा? अरे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्यों नहीं आएगा बिरजू? अरे हम उसके माता पिता हैं। अरे अपने माता पिता के पास नहीं आएगा तो किसके पास आएगा वो? हाँ ऐसा मत सोचिए, हमारा बिरजू बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरी दुआ है कि वो जहाँ भी हैं, जिस हाल में है, ईश्वर भगवान उसको हमेशा अच्छा रखे। वो खुश है जहाँ भी है, वो खुश है। लगता है उसे फुर्सत नहीं मिली शायद, इसलिए वो नहीं आ पाया। चलो अब खेत का काम बाद में देखेंगे, घर चलते हैं। चलिए चलिए। माँ बिरजू कितना बड़ा आदमी बन गया है तू, अरे तू तो पहचान में नहीं आ रहा, कैसा है तू? तरस गई थी तुझे देखने के लिए, कितना याद कर रही थी तुझे, और तुझे पता है तेरे पिताजी एक एक पल तड़प रहे हैं तुझे देखने के लिए। मा, मा,
जितना तुम तड़पी हो ना उतना मैं भी तड़पा हूँ। मुझे पता है कैसे कैसे वो पल गुजारे हैं आप लोगों के बिना, लेकिन हाँ इस बात का आज खुशी भी महसूस होती है कि मैं शायद बन सका कुछ, आपके अपने वादों पर खरा उतर सका। मुझे यकीन था बेटे कि तू अपने सपने पूरे जरूर करेगा, चल अंदर चल। पारो 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 ये नहीं है, पहले फावड़ा मुझे दीजिए। फावड़ा छोड़ो, पहले बताओ ये हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्या कर रही है? बताती हूँ हमारे घर में हीरो जो आ गया है, अरे भीड़ नहीं लगेगी तो क्या होगा? हमारे घर में हीरो? हाँ। पहलिया मत बुझाओ, मुझे सच सच बताओ। सच ये आपका बिरजू वापस आ गया लौट के, कुछ बनकर आया है कुछ। और माँ ये आदमी कौन है? आदमी? अरे पाजी मैं तेरा बाप। अरिया और तू? अरे वाह देखो इसको, ये वही बिरजू है जो जो यहाँ निकम्मा और पाजी घूमता था। आप ट्यूबवेल बंद नहीं कराओगे मुझ पर? पानी ही लगवाओगे उस खेत पर? बिरजू वाकई तूने जैसा कहा वैसे कर दिखाया, मैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये वही मेरा बेटा बिरजू है जिसे मैं हमेशा डांटा करता था मारा करता था। शायद वही डांट फटकार आज मेरे काम आई है। शायद आप लोग मुझे न डांटते न फटकारते तो मैं इस घर से जा नहीं पाता। मेरी कामयाबी में मेरी इस माँ का बहुत बड़ा हाथ है और आपका भी। तो बेटा असली कामयाबी तो तेरी मेहनत है, हमारा तो सिर्फ आशीर्वाद था। आज जो इस मुकाम पे तू पहुँचा है ये अपनी मेहनत और लगन से पहुँचा है, और सचमुच इस गांव में मेरा सर फख्र से ऊँचा कर दिया। लेकिन अब इस गाँव में रहने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं। क्या? मैं आप दोनों को ले जाने आया हूँ शहर, इस गांव को छोड़कर? नहीं बेटा। माँ बहुत बड़ा मकान है मेरा, बहुत सारी गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ है वहाँ। हम वहाँ शहर में कैसे रहेंगे? हम तो कभी शहर में रहे ही नहीं। सब सीख जाते हैं लोग। नहीं बिरजू देख, तू यहाँ से गया तूने मेहनत करी, मुझे पता है तूने फाकों से दिन काटे होंगे खाने पीने से, मुझे पता है बड़ा शहर है और आज भगवान ने तुझे उसका 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 फल भी दिया। लेकिन बेटा हम इस गाँव को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों पिताजी? तू तो जानता है इन इस जमीन में हमारे पुरखों का खून और मेहनत है, इसको छोड़कर कैसे चले जाएंगे? पिताजी अब इस जमीन का आप क्या करेंगे? आपका बेटा है तो सही। नहीं बेटा, आपके लिए कमाएगा, आपको वो सब कुछ दिखाएगा जो आपने कभी देखा नहीं, आपके सारे ख्वाब पूरे करेगा। मां ने समझाती क्यों नहीं है? ये मेरी बात नहीं मान रही। यहाँ क्या करेंगे अब? क्या बचा है हमारे लिए यहाँ? लेकिन बेटे हम जब तेरे पिताजी का वही रहन वही रहूंगी, मैं नहीं रह सकती तेरे पास। माँ ये आप लोग क्या करें, मैं आप लोगों के लिए यहाँ लौट कर आया हूँ और आज मेरे पास दौलत शोहरत ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझ पर ना हो। मैं अपने माँ बाप को अब मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहता। आपने बहुत मेहनत कर ली पिताजी, अब वो समय जा चुका है। बेटा देख ये तो बहुत खुशी की बात है कि तू एक बड़ा आदमी बन गया और इस गाँव को और हमारा नाम रोशन किया है, लेकिन ना बेटा ना, हम तेरे साथ नहीं जा सकते। शायद ये मेरी बात ना समझ सकें लेकिन आपकी बात जरूर समझेंगे। माँ आप समझाइए ना इन्हें, शायद ये आपकी बात समझ सकें। और वैसे भी हमारे लिए यहाँ बचा क्या है? बचा क्या? कौन है हमारा यहाँ? कौन है और क्या बचा है? है ना? कौन? मेरी बहू। बहू? हाँ। कौन बहू? वही जिससे तू प्यार करता था, पारुल। पारुल? भूल गया उसे तू? तू बड़ा आदमी बन गया तो उसे भूल गया, उसके प्यार को भूल गया तू? हाँ उसने अभी तक शादी नहीं की। नहीं उसने अभी शादी नहीं की। हाँ हाँ बिरजू, और जो ये तू हीरो बना है ना, इसकी सबसे पहली खबर भी अपने उस मोबाइल में उसी ने दिखाई तेरी माँ को। हाँ और तेरे पीछे कई बार तुझे पूछना है बेटा वो तुझे पता भी है। हाँ वो तुझसे बहुत प्यार करने लगी है,
सच में माँ? हाँ, तेरे जाने के बाद बस रोज घर आया करती थी, रोज तेरे बारे में पूछा करती थी। मुझे पूछने आती थी? हाँ बिरजू। क्या पूछती थी मेरे बारे में? यही कि मेरा बिरजू कैसा है, कुछ पता चला मेरे बिरजू का, कहाँ है, कैसा है, ठीक तो है ना, यही पूछा करती थी। वैसे माँ और पापा इस सब में पारुल का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ पारुल। इसे माँ मैं जाता हूँ। जा मिल के आ उससे, वो तेरा इंतजार कर रही है। जी माँ। जा। देखा बिरजू इतना बड़ा आदमी हो गया, समय कैसे बदल गया। मैं जो उसको डांट लगाया करता था ये उसी का असर है। मगर पारुल एक बात तो है। क्या? देखो कुछ भी हो लेकिन मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना हूं तो तुम उसके साथ चली जाना। ऐसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपको छोड़कर बेटी के साथ चली जाऊंगी? आपने सोच भी कैसे लिया? और हाँ रही उसकी बात, तो उसकी भी तो जीवन साथी मिल गई है ना उसे। कोई है? आई आ गया। क्या हुआ, घुटना के क्यों दिख रहा है? मैं जान सकता हूँ क्या इस हंसी का मतलब? ना तू मेरी बातों को इतना सीरियसली लेगा? तू आज इतना बड़ा आदमी बन गया? मतलब मैंने तो मजाक में बोला था उस टाइम। आज मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? तो मुझसे प्यार क्यों करेगा, तेरे पास तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनें होंगी। हीरोइनें? हाँ। मुझे उन सब दिखावों की चीजों से कोई मतलब नहीं। मैं लौट कर यहाँ से गया भी था तो सिर्फ तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे लिए कुछ बन सकूँ, कुछ कर सकूँ, इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊँ तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ना हो। मुझे पता है झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ क्यों जाती थी मेरे घर? वो तो बस ऐसे ही पूछ जाती थी कि मेरा जो इंसान इतना पीछा करता था वो अचानक नहीं मिल रहा, इसलिए इसलिए बार बार। कब गई बार बार? दो साल हो गए मुझे यहाँ से गए हुए, और इन 2 सालों में तुमने इतनी बार मेरे घर गई हो कि या तो तुम जानती हो या मेरा दिल। अरे तू तो इतना बड़ा आदमी बन गया तो तुम उसे शादी क्यों करेगा? तेरे पास तो और लड़कियां होंगी ना काफी अच्छी अच्छी शादी अगर शादी करनी होती तो कब की कर चुका होता। मैंने तो चल शादी नहीं की, लेकिन तूने शादी क्यों नहीं की? और मैंने तो ये भी सुना है कि तूने 2-4 रिश्ते भी लौटा दिए। अरे वो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं पढ़ाई फोकस करना चाहती ना, इसलिए नहीं की बस। पढ़ाई? किस पढ़ाई की बातें कर रही हो जिसको तुम 1 साल पहले ही छोड़ चुकी हो? बस मेरा मन नहीं था शादी करने का, इसलिए नहीं की। अब जब मन करे तब शादी करूंगी ना। इसका मतलब तुम मुझे नहीं चाहती हो? अरे मैं तुझे क्यों चाहूंगी? नहीं चाहती हूँ ना? नहीं। ठीक है चलता हूँ। चला गया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? इस रोकने के मतलब को मैं जान सकता हूँ? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बेइंतहा प्यार करती हूँ। तो फिर ये सब क्या था? वो मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, बस मैं जानना चाहती थी कि तुम अपने साथ वाली जो हीरोइन जो तुम्हारे साथ में काम करती है उनसे प्यार करते हो या आज भी मुझसे करते हो। पारुल सही मायनों में तो प्यार करना मैं तुम्हीं से सीखा था, तुम्हारे लिए गया था यहाँ से। मैं गया था ना तो एक एक पल, एक एक बात, एक एक लम्हे सब मुझे याद थे। भटका, गिरा, फिर उठा, ठोकर लगी, फिर उठा, लेकिन हौसला नहीं टूटने दिया। सिर्फ तुम्हारी बातों ने, वो बातें मेरे दिल में घर कर गईं, और शायद इसी वजह से मैं कुछ बन सका। मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ।
माँ, पिताजी, आ गई आपकी बहू। स्वागत नहीं करोगे इसका? बेटा ऐसे नहीं, दुल्हन बना के जैसे हमने सपने देखे हैं। हाँ माँ, पिताजी फक्र से जाइए शगुन लेकर। बेटा मैं प्रधान जी से मिलकर आता हूँ, जब तक तुम ध्यान रखो। जी जाइए, आओ दोनों अंदर आओ।